हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ नेहा वर्मा. तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में ऐसे. तो ये ऐसे है द सन के ऊपर. तो आपको ये ऐसे अपनी नोटबुक में लिखना है, लर्न एंड राइट दोनों करना है. तो 10 लाइन्स हैं, तो आई होप आप लोग कर लोगे. तो आपको ये ऐसे जो है अपनी नोटबुक में, इंग्लिश की नोटबुक में नोट डाउन करना है. ओके, तो हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. हिंदी में आपको ये पत्र लिखना है, शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र. तो यहाँ पे है सेवा में प्रधानाचार्य महोदया. तो आपके यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो लेडी हैं, तो यहाँ पे आप प्रधानाचार्य लिखोगे. यहाँ पे भी आप प्रधानाचार्य लिखोगे. प्लस यहाँ पे जो देववाणी पब्लिक स्कूल लिखा है, इसकी जगह पे आप अपने स्कूल का नाम और जगह का नाम लिखोगे. और यहाँ पे विजय शर्मा जो है, इसकी जगह पे आप अपना नाम लिखोगे और अपना रोल नंबर लिखोगे. अगर किसी को रोल नंबर नहीं पता तो ये कॉलम छोड़ देना. और डेट में आप जो है आज की डेट डालोगे. ठीक है, तो आपको ये ऐसे जो है अपनी हिंदी की नोटबुक में लर्न एंड लिखना भी है और उसको लर्न भी करना है. ये ऐसे जो है आपकी बुक में पेज 70 पे दिया गया है. ओके, तो हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. देन मैथ्स में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4F. इसमें जो है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि कैरी वाले सब्ट्रैक्शन है. तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. जैसे कि 3 में से 6 को माइनस करना है, तो आप जानते हो 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता. तो हम बगल वाले डिजिट से क्या लेंगे, कैरी लेंगे. तो हमने 7 से एक उधार लिया, तो ये क्या बन गया, 13. तो 13 में हमने 6 माइनस किया तो क्या आया हमारा, 7 आया. अब जब 7 ने एक अपना जो कैरी है, नंबर है, 3 को दे दिया है, तो 7 के पास क्या बचा, 6 बचा ना. तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2. हमने 2 लिख दिया. देन फिर 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 5 जो है 6 से कैरी लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा हमारा. देन 15 में से हमने 9 माइनस किया तो क्या आया, 6 आया. देन 6 ने एक कैरी 5 को दे दिया था, तो 6 के पास क्या बचा, 5 बचा. देन 5 में से 4 गए 1. अब 4 में से 2 जा सकता है और 4 ने कोई कैरी भी नहीं दिया है, तो 4 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा. तो सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके से सॉल्व करने हैं. तो ये क्वेश्चन आपको बुक एज वेल एज नोटबुक दोनों में करने हैं. तो आई होप आप लोग कर लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप लोग ये शुरू से करते आ रहे हो. तो बहुत ही ईजी वर्क है आज का. तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.